जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान अजय प्रताप सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। जम्मू कश्मीर से रविवार को शहीद जवान का पार्थिव शरीर गोंडा लाया गया, जहां कर्नेलगंज स्थित उनके पैतृक गांव छिटवापुर में शहीद जवान का अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि रविवार की सुबह जब शहीद अजय प्रताप सिंह का पार्थिव शरीर लेकर उनके बड़े भाई अखिलेश प्रताप सिंह और अखिलेंद्र प्रताप सिंह श्रीनगर सीआरपीएफ के जवानों संग पख्तरबंद वाहन से गांव पहुंचे, तो शहीद जवान के अंतिम दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। हजारों की संख्या में कर्नेलगंज क्षेत्र के आसपास के लोग शहीद अजय प्रताप के घर पहुंचे। शहीद का पार्थिव शरीर देखकर परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया। शहीद की पत्नी जब तिरंगे में लिपटे अपने शहीद पति के पार्थिव शरीर को देखकर चित्कार उठी, पूरे गांव गांव का माहौल गमगीन हो गया। बता दें कि बड़े भाई अखिलेश प्रताप सिंह ने शहीद जवान अजय प्रताप की चिता को मुखाग्नि दी। शहीद के अंतिम संस्कार में मौजूद हजारों की भीड़ ने अपने नायक को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। इस दौरान स्थानीय विधायक बावन सिंह समेत कर्नेलगंज एसडीएम हीरालाल और श्रीनगर से आए सीआरपीएफ के जवान मौजूद रहे। क्षेत्र का है, क्षेत्र नहीं, मेरे गाँव का है और देश का लाल है। मेरे पटीदारी, सगी पटीदारी है मेरी। मैं पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि इस आत्मा को शांति दें और दुखी परिवार को इस दुखे से उभरने की शक्ति प्रदान करें। और ढेर सारी श्रद्धांजलि सबकी तरफ से, पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से, अपने गांववासियों की तरफ से और अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ। बता दें कि शहीद अजय प्रताप सिंह कर्नेलगंज विधानसभा से पूर्व विधायक स्वर्गीय भगेलू सिंह के पौत्र हैं। अजय प्रताप सिंह के तीन सगे भाई हैं। तीनों सगे भाई सेना में तैनात हैं। बड़े भाई अखिलेश प्रताप सिंह आर्मी में हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में तैनात हैं। वहीं दूसरे नंबर पर रहे अजय प्रताप सिंह सीआरपीएफ में थे, जो श्रीनगर में तैनात थे। वहीं सबसे छोटा भाई अखिलेंद्र प्रताप सिंह आर्मी में है, जो कि अमरनाथ यात्रा में तैनात है। देश के योगदान में बालटाल में लगे हुए थे, बॉर्डर पे ही थे, अमरनाथ यात्रा चल रही थी, उसी में घटना हुई है। देश हित में और देश के लिए शहीद हुए हैं। विनम्र श्रद्धांजलि हम लोगों की है और इस परिवार के लिए जो कुछ बन पड़ेगा हम लोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। बता दें कि शहीद जवान अजय प्रताप सिंह शनिवार को आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए थे। अजय प्रताप की दो बेटियां हैं, एक 3 साल की और एक महज 8 महीने की बेटी है, जिसके सिर से अब पिता का साया उठ गया है। स्थानीय विधायक ने परिवार को सरकार से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गोंडा से ओम चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।